हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर चैनल आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केस हमरूक वर्सेस टॉक ब्रोज ये 1925 का केस है एंड इस केस में जो भी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन डिसीजंस और जो भी इसके फैक्ट हैं उनको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे तो जो फैक्ट इस केस के हैं दैट इज़ इस केस में बेसिकली एक वुमन देखती है एक लॉरी को जो कि डाउन की तरफ मूव कर रही है जहाँ पर वुमन अपने तीन बच्चों को छोड़ के आती है अब उसको ये सुनाई देता है कि दैट द लॉरी मेट विद एन एक्सीडेंट उस लॉरी का एक्सीडेंट हो गया है इन्वाल्विंग अ चाइल्ड तो वो ऐसा प्रज्यूम कर दी है दैट कि वो जो जो बच्चा उसमें इन्वॉल्व था वो उसका बच्चा होगा एंड उसकी वजह से लेडी को नर्वस शॉक लगता है एंड शी डाइड अब कोर्ट इस केस में जो ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग देता है दैट इज कि इस केस में क्या वुमेन के जो रिलेटिव्स हैं दे आर लाइवल फॉर कंपनसेशन क्या उनको कंपनसेशन मिलेगा तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस केस में दैट इज की ऑल दो द लेडी वॉज नॉट विद इन द एक्चुअल एरिया ऑफ फिजिकल इंजरी स्टिल जो डिफेंडेंट होते हैं इस केस में उनको कोर्ट लाइबल करता है बिकॉज इन दिस केस द प्लेंटिव वॉज इंटाइटल टू रिकवर बिकॉज शॉक वॉज ब्रॉट बाय फ़ियर फॉर हर चिल्ड्रंस सेफ्टी एंड नॉट बाय फियर ऑफ हर ओन मतलब जो लेडी को नर्वस शॉक लगा और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई वो फियर उसकी खुद की जान खतरे में है उससे रिलेटेड नहीं था वो फियर और शॉक उसको अपने बच्चों की सेफ्टी के रिगार्डिंग था जिसके कारण उसको नर्वस शॉक लगा एंड इसलिए इस केस में डिफेंडेंट को कोर्ट लाइबल करता है एंड प्लेंटी वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस आई होप ये केस आपको समझ आया होगा